दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा कुछ बहुत हैवी वेतन के आयोगों में अपने खास आदमियों को नियुक्त किया था और उनको इतना ज़्यादा वेतन मिल रहा था, तमाम सुविधाएं मिल रही थी। दिल्ली एलजी ने रोक लगा दी और ये भी कहा है कि जो वेतन लिया है वो वापस वसूला जाए। आपको बतलाना है कि गैर कानूनी ढंग से दिल्ली में ऐसा नियम नहीं था। 2016 में जानबूझ के केजरीवाल लॉबी ने, चूँकि इनके पास बहुमत ज़्यादा था, इन्होंने चुपचाप बिल पास कराया और विधानसभा में अपने उस पर करके और ये नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री ले लिया, जबकि मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता था। 2016 में केजरीवाल कानून ले आए, जो आयोग के जो चेयरमैन थे और सदस्य थे उनको इतना हैवी वेतन दिया गया और ये सिलेक्शन कहाँ से होता था, शीश महल से। सिर्फ दो लोग करते थे, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल, सिर्फ दो लोग। और ये बात आप पार्टी के जो और गुट, जो असंतुष्ट गुट है, उन्होंने एलजी तक पहुंचाई, एलजी ने इस पर एक्शन ले लिया। और देखिए ताजुब की बात क्या है। ताजुब की बात है कि अभी तक आप पार्टी का कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कितना हैवी वेतन लेते थे, कितनी हैवी सुविधा लेते थे, काम कुछ भी नहीं करते थे ये जो आयोगों में इनके अधिकारी थे। एलजी साहब के इस एक्शन का सब तरफ स्वागत हुआ है, आम जनता ने किया, सभी राजनीतिक विपक्षी दलों ने किया, कांग्रेस में भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के बाद जो आयोग के सदस्य थे चेयरमैन, वो अपने आप को बिल्कुल पीछे से सरकार चला रहे थे। अब देखिए आप पार्टी में भी खुशी है कि वो लोग इतनी धांधागर्दी कर रहे थे, एलजी ने जो एक्शन लिया बहुत सही, और उनके वेतन वसूली का भी कह दिया, ये और अच्छा। अब देखिए बीके सक्सेना जी ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग जो है वो है दिल्ली डायलॉग कमीशन, दिल्ली डायलॉग कमीशन जिसको बोलते हैं, तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एलजी कार्यालय के एक अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि DDCD उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में संबंधित कार्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों का चयन करने के लिए व्यवस्था विकसित किए जाने तक आयोग अस्थायी रूप से भंग रहेगा। होना ये चाहिए था इसमें, इस जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको अपॉइंटमेंट होना चाहिए। पहले मानद उसमें थे, वेतन नहीं लेते थे, अब मानद उसमें एक उनको पुरस्कार के तुम सांत्वना के रूप में कुछ दे दिया जाता था, वो एक्सेप्ट कर लेते थे। एक से एक बड़े लोग रहे मगर उसमें विशेषज्ञ रहे, और उन्होंने जो एडवाइस किया है दिल्ली उसके लिए डेवलप हुई। इन्होंने क्या किया, मिस्टर केजरीवाल जी ने शीश महल से सिर्फ दो आदमी अपॉइंटमेंट करते थे। नंबर वन पे इसमें थी सुनीता केजरीवाल, नंबर सेकेंड में अरविंद केजरीवाल, ये अपने पसंद के लोगों को। इनको इतनी सुविधाएं थी, सबसे हैवी वेतन दिल्ली में, इतना वेतन बड़ी बड़ी पोस्टों में नहीं, दूसरी हर तरह की सुविधा, लग्जरी सुविधा, इनको असीमित अधिकार थे, असीमित अधिकार। किसी भी विभाग में इनका एक फ़ोन ही काफ़ी होता था। अब देखिए आगे क्या किया है एलजी साहब ने कहा, इसके अलावा उन्होंने आयोग के कार्यरत गैर आधिकारिक सदस्यों की सेवा समाप्त करने की मंजूरी भी दे दी। दिल्ली में आपको बता रहे हैं मंत्रियों के ऊपर इतने आरोप हैं, जल बोर्ड के कहीं कुछ कहें, जल बोर्ड में आपने देखा होगा आबकारी उसमें कितने घपले हुए, हर एक उसमें बस में कितने घपले हुए, मीटर घोटाले में, टैक्सी मीटर घोटाले में, हॉस्पिटल में कितने घपले हुए, सब तरफ घपले। और ये जो आयोग के जो ये उपाध्यक्ष बने थे ये तो समझ ले घपलों के सरताज थे। अब देखिए सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, इनको शीश महल से आदेश हुआ कि जल्दी से कॉन्फ्रेंस करो, सिर्फ कॉन्फ्रेंस पीसी करना और प्रोपेगंडा करना, यही काम हो गया, सुबह हुआ नहीं कि शुरू हो गए, कोई काम नहीं। सौरभ भारद्वाज जी क्या कहें, एलजी साहब बताएं किनको, इनको सौरभ भारद्वाज क्या बताएं इनको कि उनकी अपनी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहा इश्तिहार निकाला था।
अब ये पूछ रहे हैं कहाँ पे इश्तेहार निकाला था, मतलब कहाँ विज्ञापन निकाला था। तो सौरभ भारद्वाज एलजी से बहुत छोटी ओहदे में, बहुत छोटे ओहदे, वो एलजी बहुत क्वालिफाइड है, एलजी की पोस्ट बड़ी है, मुख्यमंत्री से भी बड़ी होती है। ये कंप्लीट चीफ मिनिस्टर नहीं, अरविंद केजरीवाल इस समय तो है नहीं, क्योंकि ये जेल में हैं और शराब घोटाले में हैं, तमाम घोटालों में हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक वो पूछ रहे हैं उनको बताएं, जबकि एलजी पूछेगा मुख्यमंत्री से तुमने क्या काम किया, कितना तुम्हें रुपया चाहिए, ये कम ले रहे हो ये ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ ठीक करो। एलजी किसको गाइड टोकेगा? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर नहीं टोकेगा, एलजी टोकेगा। एलजी बड़ा होता गवर्नर में, दूसरी कंट्रियों में एलजी की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब एक मंत्री पूछ रहा है, वो भी किसके कहने पे, सुनीता जी के कहने पे, कि एलजी बताएं कि उनकी अपनी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहाँ इश्तेहार निकाला। इन्होंने अपने आदमियों के लिए कभी कोई इश्तेहार नहीं निकाला, क्या ये बनाए गए इश्तेहार निकाला गया था? आयोग में और भी उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या इश्तेहार निकाला गया? सदस्यों के इश्तेहार अगर निकाला गया तो इतना हैवी वेतन क्यों दे दिया गया? क्या जब उनको इतना हैवी वेतन दिया गया तो नियुक्त होती उसका पेपर में निकलता, बाकायदे इंटरव्यू होते, रिटन टेस्ट होते, ये चीज़ इन्होंने नहीं कराई। और दूसरे के लिए कह रहे हैं, अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं। ये आप पार्टी की एक आदत है, यही वजह है कि ये दिन पे दिन इनका सब कुछ सिमट रहा, लोकसभा में चले गए, आगे इनकी सरकार भी, सभी लोग भ्रष्टाचार में। अब देखिए और आगे क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, एलजी साहब का टेस्ट और साक्षात किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया गया? एलजी साहब का टेस्ट और साक्षात्कार किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया गया? वह उपराज्यपाल के अवैध फैसले को अदालत में चुनौती देंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सक्सेना पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा आपको बता दें, कल आप पार्टी के अधिकृत बयानों में रहा कि एलजी के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको कोर्ट में घसीटेंगे, जबकि उनका आरोप है उनके जो फैसले का विरोध करना चाहिए एलजी साहब का नहीं। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको किसने अधिकार दिया, नियुक्त किया, और आपको किसने किया था, आपका क्या टेस्ट हुआ था, एलजी साहब का टेस्ट और साक्षात्कार किसने लिया था? आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर गवर्नर के लिए कहने लगे, आपको बताने तीन पोस्ट ऐसी होती हैं जिस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, नंबर एक राष्ट्रपति, नंबर सेकंड गवर्नर, और तीसरा एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको और ज़्यादा पावर होती है। आपको बताने कोर्ट को भी अधिकार नहीं है जिस दौरान गवर्नर है, और प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ में आप हेरा फेरी कर सकते हैं, राष्ट्रपति की न्यूज़ में कॉमा का भी हेरा फेरी नहीं। मगर ये पूछ रहे हैं, एलजी साहब आपका टेस्ट किसने लिया, क्या आप टेस्ट लायक हैं, आप टेस्ट लेने लायक हैं सौरभ भारद्वाज? ये ओवर कॉन्फिडेंस चलना, यही पार्टी आपके पतन का यही कारण है। अब देखिए इनका किस तरह से इन्होंने पूरे शासन से पैसा निचोड़ लिया, वसूली कर ली। देखिए प्रारंभ में ये पद मानत थे, साफ है एलजी कहना है, पूरे उसमें रिकॉर्ड में मानत थे। पहली बात तो लोग वेतन नहीं लेते, एक से बड़े लोग रहे इसमें, अब बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब जिनका अहमियत थी, जो एक्सपर्ट थे, अब विशेषज्ञ थे, उनको रखा। प्रारंभ में पद मानत था, बहुत से पैसे नहीं लेते, कुछ को कुछ मानदेय दे दिया जाता था, वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो भी दे दिया था वो सैकड़ों रुपए में था, हजारों में नहीं, सैकड़ों में, आप अंदाज लगा लीजिए, इतना कम मानद होता था। लेकिन बाद में उन्हें उच्च वेतन और सुविधा युक्त पदों में परिवर्तित कर दिया गया। किसने किया? केजरीवाल ने। मतलब देखिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, और इसको अपॉइंट कौन करता था? सुनीता केजरीवाल, शीश महल से सब होते थे, और अरविंद केजरीवाल जी की हाँ रहती थी। जैसे कि डीडीसी के उपाध्यक्ष को दिल्ली सरकार के मंत्री के समान दर्जा, वेतन और सुविधाएं दी गई थी, यही नहीं मंत्री के समान दर्जा, और इनका बीटो चलता था, सबसे हैवी सैलरी और सारी सुविधाएं, सारी लग्जरी। इसके बाद क्या, तथा गैर सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा, वेतन और सुविधाएं दी गई। डीडीसी को 29 अप्रैल 2016 को राजपत्रित सूचना जारी की गई, 29 अप्रैल 2016 को इन्होंने विधानसभा से करके, और क्या किया है, गैर अधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से मुख्यमंत्री के फैसले से होती है, ये इन्होंने कानून में अमेंडमेंट कर लिया था। ये केजरीवाल जी जो जेल में
हाँ बस बस बस, अब देखिए कहाँ से सब गेम हो रहा था। इस समय दो लोग हैं सत्ता के पीछे, ये मेन नहीं है सुनीता केजरीवाल जी। देखिए ऊपर उनकी फोटो लगी है, भगत सिंह जी की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उसके बगल में लगाए अपने आदमी की फोटो। ये देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी, कितने विद्वान, मगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केजरीवाल अपने समझते हैं, फिर उनकी ये बेगम साहिबा। और ये देखिए ये दो लोग नियुक्त करते थे, इन्होंने किस तरह से ये बताया कि एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक सिर्फ ये दो थे, थिंक टैंक कौन, ये दो, और किसी के कुछ नहीं चलती। जो बेचारे सीधे तो जेल में है, कुछ बेल में है और कुछ खेल में है। अब देखिए एक थिंक टैंक था, ये मतलब पार्टी कह रही कि एक ये थिंक टैंक है डायलॉग कमीशन, जिसका काम सरकार की नीतियों को बनाने में मदद करना था। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, जिसका काम सरकार की नीतियों, इन्होंने कभी किसी की बात ही नहीं मानी, अपने हिसाब से केजरीवाल चले, हर चीज़ केजरीवाल डिसाइड करते थे। दिल्ली सरकार की माने मान लें, दिल्ली डायलॉग कमीशन ने अब तक कई सफल नीतियों व योजनाओं को लागू करने में मदद की है। दिल्ली सरकार की माने तो कई उन्होंने योजनाएं सफल, कोई योजना नहीं, स्वास्थ्य कमीशन, दुनिया के बेहतरीन अस्पताल, दुनिया के बेहतरीन स्कूल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें रोजगार पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, परिवहन विभाग की फेसलेस योजना, वन दिल्ली ऐप। अब देखिए वन दिल्ली ऐप का ये है कि अपने बंगले के ही इन्होंने डाले। रोजगार पोर्टल कुछ नहीं दिया और नौकरियां छीन ली केजरीवाल जी ने। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नीति, उसमें खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया गया, पता चला मीटर के में घोटाले किए गए। अपग्रेडेशन ऑफ दिल्ली स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार बजट, कोविड के दौरान मुफ्त राशन वितरण शामिल है। मुफ्त राशन वितरण केंद्र सरकार ने दिया था। तो आपको बताना है कि कुल मिला के जो सबसे मेन चीज़ है छिपाना है कि वेतन की वसूली होगी, और वेतन बहुत ज़्यादा था इसलिए किया गया। मगर आप पार्टी का कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा, क्योंकि इनको इस बात की लग रही वेतन की वसूली होगी, और इसलिए मैडम चिंता हैं, चिंतित हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।